सिवनी जिला मध्य प्रदेश राज्य के विकसित जिलों में से एक है। इस जिले को अपनी तहजीब की वजह से मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है। दोस्तों, सिवनी जिला एक ऐसा जिला भी है जहां पर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ संजय सरोवर बांध स्थित है। दोस्तों, सिवनी जिला का गठन वर्ष 1956 में किया गया था। जिले का नाम वोरुनाबल परिवार से संबंधित शब्द सियोना वृक्ष से उत्पन्न हुआ, जो आमतौर पर इस क्षेत्र में पाया जाता था। सिवनी जिला का कुल क्षेत्रफल 8,758 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए है। मित्रों, सिवनी जिला के उत्तर में जबलपुर जिला, पश्चिम में नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिला, दक्षिण में महाराष्ट्र का नागपुर जिला और पूर्व में बालाघाट और मंडला जिले से घिरा हुआ है। मित्रों, प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो सिवनी जिले का मुख्यालय सिवनी शहर में स्थित है। सिवनी जिले के अंतर्गत 8 तहसील सिवनी, लखनादौन, केवलारी, घनसोर, छपारा, बरघाट, कुरई और धनोरा सहित 1587 ग्राम आते हैं। दोस्तों, बात करें पॉपुलेशन की तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिवनी जिले की कुल जनसंख्या 13,79,131 है, जिसमें से 12,15,241 ग्रामीण आबादी और 1,63,890 लोग शहरों में निवास करते हैं। वहीं इस जिला का लिंग अनुपात प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर 984 महिलाओं का है और जिले की कुल साक्षरता दर 73.01% है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता 63.7% तथा पुरुषों की साक्षरता 72.1% है। मित्रों, धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिवनी जिला में हिंदू 83.03%, मुसलमान 5.78%, बौद्ध 0.53% तथा 10.66% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। इस जिले के अधिकतर लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है। दोस्तों, सिवनी जिला तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा वायु मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं। बात करें सड़क मार्ग की तो सिवनी सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सिवनी से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से सिवनी के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध है। वहीं बात करें रेल मार्ग की तो सिवनी शहर का रेलवे स्टेशन अपने आप में एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। आप देश के अन्य प्रमुख शहरों से सिवनी के लिए नियमित ट्रेन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सिवनी में वर्तमान में कोई हवाई अड्डा नहीं है। सिवनी का निकटतम बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर का है, जो सिवनी से करीब 121 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा भारत के अनेक राज्यों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सिवनी जिला में पढ़ने हेतु कई लाजवाब शिक्षण संस्थान मौजूद है, जहां के टॉप स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल सिवनी, अरुणाचल पब्लिक स्कूल, महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी विद्यालय, स्कूल फॉर एक्सीलेंस सिवनी, मिशन हायर सेकेंडरी बॉयज विद्यालय, सेमरॉक जैक एंड जील स्कूल सिवनी, मॉडर्न विद्यालय, महर्षि विद्या मंदिर, विद्या निकेतन हायर सेकेंडरी विद्यालय सिवनी आदि प्रमुख स्कूल है। जबकि कॉलेजों में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सिवनी, ज्ञानगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ परमदिक्ले साइंस सिवनी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, एसएससी एजुकेशन कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवनी, ग्लोबल लॉ कॉलेज सिवनी, मेडिकल कॉलेज सिवनी, मारुति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कुरई, गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज केवलारी, महाकौशल कॉलेज ऑफ साइंस छपारा, AIMS कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल एंड साइंस बरघाट आदि यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान है। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं में सिवनी जिला में इंदिरा गांधी जिला हॉस्पिटल, पाठक क्लिनिक, शांति नर्सिंग होम, सेवा सदन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल, अष्टविनायक हॉस्पिटल, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जथर हॉस्पिटल, एडवांस केयर हॉस्पिटल, महामाया हॉस्पिटल सहित कई अन्य हॉस्पिटल शामिल है। दोस्तों, सिवनी जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी सिवनी जिला की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना सिवनी जिले का भ्रमण अधूरा है। दलसागर झील, भीमगढ़ जलाशय, गुरु रत्नेश्वर धाम मंदिर, आदिगांव का किला,
भैरव बाबा मंदिर आधे गांव, बंजारी माता मंदिर, बड़ा दिगंबर जैन मंदिर, आष्टा काली मंदिर, रुमल जलाशय, पेंच टाइगर रिजर्व, तूतला दोह बांध, अरे झील, वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल मुंडारा, दीवान महल एवं बावड़ी, सिवनी संग्रहालय, रिछारिया बाबा धाम धनोरा, शहीद स्मारक तूरिया, बलिपुरम मंदिर सिवनी आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ पर आप अपने मन की शांति के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, सिवनी जिला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही यदि आप सिवनी जिले से हैं तो इस वीडियो में कमेंट करें कि आप किस जगह से हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। मित्रों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।